निसान अल्टीमा 2018 मॉडल है। इसका एसी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं कि इसका अंदर क्या मसला है। इसका एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होता है, इसका कॉमन फेलियर बताते हैं और आज इसके बारे में लाइव डाटा में भी बताएंगे कि हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे। तो ये निसान अल्टीमा है 2018, 17, 14, ये टोटली सेम है। तो इसका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसको स्कैन किया तो इसमें जो कोड आ रहा है वो कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये कोड है B257C, एम्बायमेंट टेम्परेचर सेंसर। एम्बायमेंट टेम्परेचर सेंसर का मतलब है आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर एसी एम्पलीफायर को बताता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है। तो अभी लाइव डाटा में देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। ये नया मॉडल जितना भी निसान गाड़ियाँ हैं इसमें ज़्यादा कॉमन फेलियर है, बल्कि सब गाड़ियों में ज़्यादा है। ये -22 बता रहे हैं लाइव डाटा में कंप्यूटर को। तो -22 का मतलब है कि फ्रीज़र से भी ज़्यादा कूलिंग है बाहर। तो कंप्यूटर एयर कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। तो मसला क्या था यहाँ पे, ये एम्बायमेंट सेंसर लगा हुआ है। ये गाड़ी पहले एक्सीडेंट है तो इसका ये कनेक्टर निकल गया था। यहाँ से किसी ने पिन डाल के इसका यहाँ पे ये कनेक्टर निकल गया था। तो ये इसका लोकेशन है, एम्बायमेंट टेम्परेचर सेंसर लेफ्ट साइड बम्पर में। ये वायर इसका पिन निकल गया था तो कंप्रेसर काम नहीं कर रहा था। तो कभी भी आपके साथ ये फॉल्ट और ये कोड आता है तो आपने सबसे पहले इस सेंसर को देखना है। ये सेंसर जब ख़राब होगा तो काम नहीं करेगा। अभी हम इसमें फिक्स करेंगे और चेक करेंगे। जैसे हम फिक्स करेंगे तो यहाँ पे 88 फारेनहाइट आएगा। तो 88 फारेनहाइट का मतलब है 45-48 सेंटीग्रेड। तो अभी बिल्कुल सही हो गया, वो पिन मैंने फिक्स कर दिया है। तो सिर्फ ये मामूली सा प्रॉब्लम था, ये एक कॉमन फेलियर है। ये वायर काट जाता है अक्सर एक्सीडेंट की वजह से या तो। अभी ये 98 पे आ गया है, 98 फारेनहाइट। तो ये समथिंग 40-42 ऐसा सेंटीग्रेड आता है। तो पहले नेगेटिव में था, नेगेटिव का मतलब है कि फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंडा है। तो कंप्रेसर शॉर्ट ऑफ होता है इस सिचुएशन में। अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है, पंखा भी ऑन हो गया, सिर्फ ये एक वायर की वजह से, एम्बायमेंट टेम्परेचर सेंसर वायर की वजह से पूरा एसी सिस्टम स्टॉप हो गया था। तो इस कोड को हमेशा ये इसी तरीके से आपने चेक करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।